हेलो एवरीवन, टिकेंद्र सिंघल दिस साइड। आई सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 3 इन सीए फाइनल नवंबर 23 एग्जाम्स। आई बिलोंग टू जयपुर ओनली एंड इफ आई टॉक अबाउट माय सीए जर्नी, इट इल ऑल स्टार्टेड लाइक जून 2019 में मैंने 12th का एग्जाम क्लियर किया था। उसके बाद मेरा फाउंडेशन का जर्नी स्टार्ट हुआ। सीए कोर्स में बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तो जून 19 के अप्रॉक्स मैंने फाउंडेशन की जो प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मेरा नवंबर 19 के अंदर फाउंडेशन का एग्जाम्स जो थे तो उसकी मैंने जो कोचिंग ली थी, उसके बाद जो प्रिपरेशन थी अलॉन्ग विथ कोचिंग और एग्जाम्स की प्रिपरेशन और मॉक टेस्ट उसके साथ साथ किया था। तो नवंबर 19 के अंदर मैंने फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करा और उसका जो रिजल्ट था उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 22 सिक्योर किया था। उसके हैंड टू हैंड जैसे मेरे एग्जाम्स ओवर हुए थे उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। इंटरमीडिएट की कोचिंग के लिए मैंने एक ही कोचिंग से वीएसआई थी उससे स्टार्ट की थी और उसकी मेरा अप्रॉक्स जो कोर्स था जस्ट लाइक नवंबर 19 के अंदर मेरा एग्जाम दिया था फाउंडेशन का और उसके हैंड टू हैंड मैंने कोचिंग स्टार्ट करी और उसके विद इन 5 to 6 months लाइक जून 20 के अंदर मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था सीए इंटरमीडिएट का। उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज चालू हुई थी तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर मैंने 3 मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर अपेयर हुआ था 8 सब्जेक्ट्स के, तो ऑल ओवर 24 मॉक टेस्ट हो गए थे मेरे, तो उससे काफ़ी सफिशिएंट रिटर्न प्रैक्टिस हो गई थी। तो उसके जो नवंबर 22 के अंदर सीए इंटर के एग्जाम्स दिए थे उसके अंदर मैंने ऑल इंडिया रैंक 8 सिक्योर किया था। देन स्टार्टेड द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ऑफ माय सीए जो कि मैंने कालानी एंड कंपनी जयपुर से स्टार्ट करी है। आई जॉइन द कालानी एंड कंपनी इन फेब्रुअरी 21। उसके आफ्टर दैट लाइक 1.5 to 2 months बाद में मैंने अपने सीए फाइनल की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। सीए फाइनल में कोचिंग में कुल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं एक ही सब्जेक्ट्स करता रहा। अगर सबसे पहले एसएफएम की बात करूँ तो मैंने एसएफएम अप्रैल 21 के अंदर स्टार्ट किया था। अप्रैल 21 के अंदर एसएफएम स्टार्ट किया और उसकी कोचिंग करीब मेरी 3 months तक चली थी। तो लाइक जून 21 के अंदर मेरा एसएफएम का कोर्स कंप्लीट हो चुका था। देन आई स्टार्टेड द कॉस्टिंग कोचिंग। कॉस्टिंग के अंदर मैंने सचिन गुप्ता सर से लिया था। सचिन गुप्ता सर का कोर्स मेरा करीब 3 months चला था। कॉस्टिंग में थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया था, इतना कोर्स लेंदी नहीं था बट वो 3 months के अंदर अप्रॉक्स मेरा खत्म हो गया था। उसके बाद स्टार्ट हुआ था वन ऑफ दी लेंदीएस्ट सब्जेक्ट जो कि फाइनल में कंसिडर किया जाता है जो कि है अपना FR। FR मैंने जय चावला सर से ली थी और उसके अंदर अप्रॉक्स मेरे को आप कह लीजिए कि 4 to 5 months लग गए थे। हालांकि FR का कोर्स भी करीब अप्रॉक्स 300 hours का था। तो FR जैसे सब्जेक्ट में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है और सब्जेक्ट को लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है तभी आप एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लाइक 4 to 5 months मेरा FR कंप्लीट हो गया। देन आई स्टार्टेड दी ऑडिट। ऑडिट मैंने पंकज गर्ग सर से ली थी। ऑडिट का ऐसा था कि चलो एक बार देखना है क्योंकि ऑडिट जैसा सब्जेक्ट आप सेल्फ भी कर सकते हो बट होता क्या है कि एक टीचर की क्लास लेने से एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है आपके अंदर। तो मेरा पर्पस वही था कि यार ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इन सब की क्लासेस लेने का पर्पस ही ये था कि मेरा एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे कि हाँ यार मैं रोजाना एक 3 घंटे का लेक्चर तो एटलीस्ट देख ही लूँ या फिर जो सर ने पढ़ाया है वो एक बार रिवाइज कर लूँ पूरा। तो इस तरीके से ऑडिट लॉ का हो गया। देन स्टार्टेड दी IDT। IDT के अंदर क्या रहता है, मैंने यशवंत मंगल सर की क्लासेस ली थी IDT के अंदर। IDT में अप्रॉक्स 150 hours की क्लासेस थी मेरी और वो भी करीब 2-3 months के अंदर मेरा ओवर हो गया था कोर्स। तो उसके बाद मैंने क्लासेस ही देखी थी, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में इतनी नहीं कर पाया था। देन स्टार्टेड दी फाइनल सब्जेक्ट विच इज DT जो कि ऑलमोस्ट वो भी काफ़ी FR जितना ही लेंदी है। तो DT मैंने BB सर से ली थी। उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, लाइक 3 to 4 months करीब लग गए थे मेरे को DT के अंदर। सर का लाइव बैच था वही मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने अपने जो 8 सब्जेक्ट्स थे तो 8 सब्जेक्ट्स मेरे दिसंबर 22 तक ख़त्म हो चुके थे। जैसा कि आपको बताया कि नवंबर 23 के अंदर मेरा अटैम्प्ट था तो दिसंबर 22 के अंदर मेरे सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी। तो करीब 1 साल पहले मेरा क्लासेस वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका था कि हाँ ये वाला पार्ट मेरा ख़त्म हो चुका है। देन जनवरी 23 से मैंने अपना रिविजन प्लान करना स्टार्ट किया था। हाँ, ऑल दो उस टाइम मेरा ऑफिस भी चल रहा था तो एक रिवीजन प्लान करना कि रोजाना सफिशिएंट आवर्स निकाल पाऊँ तो वो इतना नहीं बैठता था। बट सुबह 1 घंटा निकाल लिया, शाम को 3 घंटा, कभी 4 आवर्स, कभी 3 आवर्स, ऐसे अप्रॉक्स में निकालता रहता था। तो ऐसे करके अलॉन्ग विथ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मेरे 4 to 5 आवर्स निकल जाते थे जैन 23 से। तो जैन 23 में फिर मेरा जो है रिविजन प्लान करना स्टार्ट किया।
जैन 23 से मेरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में रिवीजन स्टार्ट करता चला गया। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास जो डीटी के लिए थी, मैंने सबसे पहले रिवीजन भी डीटी का ही स्टार्ट किया क्योंकि वो रिसेंट पढ़ा हुआ था तो वो याद भी रहता है। तो डीटी के रिवीजन में मेरे को अप्रॉक्स काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी वाइड है और वो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर करता है। तो उसमें मेरे को करीब 40 डेज करीब लग गए थे डीटी के रिवीजन में। तो उसके बाद बीच बीच में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी चल रही है, कभी आउटसोर्सिंग ऑडिट्स वगैरह का रहता है, तो बीच बीच में मिस भी काफ़ी डेज हैं जैसे पढ़ ही नहीं पाया था बिल्कुल। तो ऐसे उसमें काफ़ी टाइम लगा था। उसके बाद FR स्टार्ट करा, FR का फर्स्ट रिवीजन में काफ़ी टाइम लग गया। ये पहले पहले जो बड़े बड़े मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हैं कि हाँ यार मेरा मेजर सब्जेक्ट हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है अंदर से, तो इसलिए पहले मैंने वो कंप्लीट कर लिया। देन हमको यहाँ पे कितनी प्रेपलीफ मिलती है CFL के प्रिपरेशन के लिए, 4 to 5 months की प्रिपरेशन ली मिलती है, मेरे को मिली थी 4.5 months की। तो लाइक अराउंड 15th of June 2023 से मेरी प्रेपलीफ स्टार्ट हो गई थी। तो देन क्या टारगेट था कि पर सब्जेक्ट 10 दिन के अंदर मेरे को कंप्लीट करना है। तो मैंने पहले DT और FR तो कंप्लीट कर चुका था मैं, उसके बाद मेरा ऑडिट, लॉ, SFM, कॉस्ट, IDT, इन सब का मैंने 10-10 दिन का टारगेट रखा और इनको मैं कंप्लीट करता चला गया। तो इस तरीके से मेरा फिर 15th of August तक फर्स्ट रिवीजन 8 सब्जेक्ट्स का खत्म हो चुका था। इको लॉ का थोड़ा बहुत पेंडिंग था, उसकी ओपन बुक एग्जाम है तो आप उसको साइड बाय साइड भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो 15th of August से मेरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने सेकंड रिवीजन अपना प्लान किया था। मेरा टारगेट था 3 रिवीजन करने, तो फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट था, सेकंड रिवीजन का टाइम था। सेकंड रिवीजन में मेरा टारगेट था कि अराउंड 5 to 6 days पर सब्जेक्ट लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए क्योंकि फिर अक्टूबर तक का टाइम है, अराउंड मेरे पास 2.5 months ही बचे थे, तो 5 days लगते थे, किसी में 6 days लगते थे। इस तरीके से मैंने सेकंड रिवीजन अपना अराउंड 30th of September तक कंप्लीट कर लिया था। सेकंड रिवीजन के साथ साथ मैंने मॉक टेस्ट सीरीज भी दी थी। सी मॉक टेस्ट सीरीज फाइनल के लिए स्पेशली, या फिर इंटर दे रहे हो, फाउंडेशन दे रहे हो, आप तीनों लेवल में कुछ भी दे रहे हो, मॉक टेस्ट सीरीज इज मस्ट। एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट सीरीज और दो तो देनी ही चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एग्जाम से पहले रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हो तो हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ चीज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। जैसे किसी के साथ स्पीड का इशू आता है कि यार मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा, किसी के साथ प्रेजेंटेशन का इशू आता है कि यार जो इंस्टीट्यूट आपसे डिजायर्ड एक प्रेजेंटेशन मांग रहा है, हर आंसर का फॉर्मेट मांग रहा है, वो आपको फिर क्लिक नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती है आई थिंक मेन एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मॉक टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, और हर CA स्टूडेंट को मॉक टेस्ट सीरीज देनी ही चाहिए। जिसमें आपका वीक है एटलीस्ट उनकी तो आप दो ही दो। तो सेकंड रिवीजन मेरा 30th of September तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड रिवीजन स्टार्ट किया था मैंने अराउंड 1st of October से स्टार्ट किया था। उसमें मेरा 3 days का टारगेट था, 3 days, 2 days, 3 days, ओके ऐसे 8 सब्जेक्ट्स का रिवीजन प्लान किया था। तो इट्स लाइक 24 और 25th अक्टूबर तक मेरा थर्ड रिवीजन कंप्लीट था। उसके बाद थोड़ा सा पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह मेरे पेंडिंग थे या MCQs कर लिए एक या दो दिन के अंदर। देन जो मेरा फिर FR की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, FR की प्रिपरेशन के लिए मैंने अराउंड 5 डेज दिए थे। 1st November को पेपर था तो 5 डेज मैंने डेडिकेटेडली FR को दिए थे कि FR क्या है, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है और फर्स्ट पेपर है तो आपको उसको अपना 100% देना चाहिए कि जितना भी आपने पढ़ा आप कुछ मत छोड़ के जाओ, आप पूरा कवर करो सब्जेक्ट और अच्छे से उसमें अपेयर हो एटलीस्ट, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट ही है जो का पेपर है जो आपके आने वाले बचे हुए 7 पेपर है उनका एक लाइन तैयार करता है कि हाँ यार उसमें आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे। एक मेंटल बूस्टअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो चीज़। एक जो इशू आता है जितने मैंने बच्चों से बात करी है उनको टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आ रहा है कि यार जो लास्ट के 4 to 5 months में अपना टाइम कैसे मैनेज करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि मैंने क्या करा था, डेज अलोकेट कर दिए थे, फर्स्ट रिवीजन 10 डेज, सेकंड रिवीजन 6-7 डेज, थर्ड रिवीजन 3 डेज। उसमें भी क्या होता है अगर आप डे वाइज इसको और ब्रेकअप करेंगे तो इसमें आप क्या करिए कर सकते हैं कि टारगेट बनाइए, अपने डेली बेसिस पर टारगेट बनाइए। जैसे आज मुझे मान लीजिए SFM करनी है तो SFM के अंदर मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आज मुझे 2 चैप्टर्स फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स लेट्स से करने ही करने हैं। तो अगर मेरे पास सुबह मॉर्निंग में टारगेट सेट करूंगा कि यार आज मेरे को 2 चैप्टर करने हैं तो मैं रात को करके ही सोऊंगा, क्योंकि अगर आप उसको फिर डिले करते रहेंगे तो फिर वो बैकलॉग क्रिएट होगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका 10 दिन में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और 70-80% कोर्स के साथ आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करना पड़ेगा। तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो क्या है कि आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ, दूसरा कि आप डीमोरल हो जाओगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में करने के लिए कि यार मेरा पहला वाला कंप्लीट नहीं हुआ और ये वाला भी अच्छे से नहीं हो रहा।
तो आप उसको टारगेट करिए तो अपना आप टाइम मैनेज होना होता चला जाएगा। और ऑब्वियसली अगर लास्ट के 4 to 5 months बचे हैं तो आपको अपना स्टडी आवर्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे सफिशियंटली। जैसे कि मैं शुरू के जुलाई और अगस्त में तो मैं करीब 7-8 hours ऐसे पढ़ता था, और जो लास्ट के 2 महीने थे उनमें मैंने 10 hours 11 12 एटलीस्ट लास्ट के मंथ में तो मैं 13 hours तक क्लिक करने लग गया था, क्योंकि वो फिर नीट पड़ती है, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो अल्टीमेटली आपको फिर पढ़ना ही पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट का यही, आप टारगेट बेस स्टडी करिए, टारगेट सेट करिए, गोल सेट करिए, और जब वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद कुछ अपने आपको रिवॉर्ड दीजिए या किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए या कुछ गाने सुन लीजिए, तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन वाली फीलिंग भी आती है। कि वो ही क्या होता है कि इस 4 महीने के अंदर बहुत अप्स एंड लोस आते ही रहते हैं, कि आपने 4 दिन पढ़ा, फिर कुछ दिन आपको ऐसा लो फील हो रहा है कि यार आज तो पढ़ाई ही नहीं हुई, फिर अगले दिन और आप डीमोटिवेशन फील कर रहे हो। तो उससे आगे बढ़ने का मतलब यही बेस्ट तरीका है कि आप अपने आप को मोटिवेट करिए, सेल्फ मोटिवेट करिए, अपने किसी फ्रेंड से बात करिए, कोई डाउट डिस्कस कर लीजिए, इधर उधर की बात कर लीजिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, कोई बाहर वॉक पे चले जाइए। तो इससे एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ, सही परफॉर्म कर रहा हूँ, हो जाएगा। अगर मैं सी ए फाइनल में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो उसमें सबसे पहला जो डाउट रहता है कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो ऐसे फर्स्ट सब्जेक्ट है एफ आर, एफ आर में क्या रहता है कि बहुत लेंदी है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर दी, आप किसी भी टीचर की कोचिंग ले लीजिए, वो अप्रॉक्स 300 hours के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करवा देगा। सेकेंड है SFM, SFM के अंदर अगेन इट्स प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, और ICI भी उसी तरीके से आपको टेस्ट करती है, तो इसके अंदर भी आपको आई विल सजेस्ट कि आप कोचिंग ही लीजिए। टैक्स तो सब्जेक्ट आता है ऑडिट और लॉ। सिर्फ ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, और इनके अंदर आपको बेसिकली याद करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो इनके लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका काम हो जाएगा। कोई टॉपिक समझना है आप डिस्कस कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, बाकी इन दोनों के लिए आप सेल्फ स्टडी के लिए प्रेफर कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कॉस्ट, कॉस्ट भी इजीली आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ICI मॉड्यूल पढ़ना है और 3-4 बार उसका रिवाइज करना है, तो इजीली सब्जेक्ट आपके ग्रिप पे आ जाएगा। देन इलेक्टिव जो भी है आप ले रहे हैं, उसके बाद आता है DT। DT के अंदर आई विल सजेस्ट कि आप कोचिंग लीजिए ही लीजिए, क्योंकि DT ऐसा सब्जेक्ट है कि चीज़ें बहुत लिंक रहती है, कोई भी एक प्रोविजन है वो दूसरे प्रोविजन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड रहता है, तो वो एक टीचर ही आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है उस सब्जेक्ट की। बाकी जो कंफर्टेबल है वो करें, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसकी कोचिंग के लिए जाइए जाइए। IDT में एक आइदर और वाली सिचुएशन रहती है, अगर कोई स्टूडेंट कंफर्टेबल है, उसे लगता है कि यार IDT में मेरा ग्रिप है अच्छी कि मैं कर लूंगा कवर, तो आप किसी टीचर की बुक मंगा के आप खुद से पढ़ लीजिए। इनफैक्ट IDT का तो स्टडी मैट भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी कोचिंग और सेल्फ स्टडी का यही है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स तो यू कैन डू सेल्फ, बाकी प्रैक्टिकल में मुझे लगता है कि पर्सनली वन शुड गो फॉर दी कोचिंग। एक जो इशू आता है कि एग्जाम्स के अंदर मेरे को किस तरीके से टाइम मैनेज करना है और आंसर लिखने कैसे हैं। तो बेसिकली हमें क्या होता है कि हमें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है और उसके बाद 3 hours का टाइम मिलता है। तो 15 मिनट के अंदर मेरा क्या टारगेट होना चाहिए, सबसे पहले कि आपको एक एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना सॉल्व करने नहीं बैठना है, आपको यह करना है कि डिसाइड कर लेना है कि हाँ यार मुझे ये क्वेश्चन करना है, ये छोड़ना है और किस ऑर्डर में करना है। क्योंकि ये आपने अगर 15 मिनट में डिसाइड कर लिया तो 3 hours के अंदर आपको बस वो सॉल्व ही करना रहेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप 15 मिनट में तो ये स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि हाँ यार मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस ऑर्डर में सॉल्व करना है, और किस ऑर्डर में सॉल्व करना है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है वो सबसे पहले सॉल्व करिए। कि होता क्या है कि एग्जाम में अगर आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर है वो अगर सही दिखेगा फर्स्ट आंसर जो है आपका, तो इससे एक एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसके माइंड में एक इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ यार बच्चे को आता है, सही होगा, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो कॉपी चेक की जाती है। तो एग्जाम में इस तरह से टाइम मैनेज करिए, मेक श्योर करिए कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करें। होता क्या है कि हम शुरू शुरू में थोड़ा धीरे धीरे लिखते रहते हैं और लास्ट में जाके बाद स्पीड अप कर देते हैं, बट आप शुरू से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करिए कि हाँ यार आपने 15 मिनट में देखा कि आज का पेपर लेंथी आया है, तो आप शुरू से ही स्पीड मेंटेन करिए, अपने आंसर्स की लेंथ को थोड़ा कंसाइज ही रखिए, जो भी रिलेवेंट पॉइंट है वही आंसर लिखिए, फालतू में कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, उसके आपको मार्क्स नहीं देता है ICI। जो पॉइंट है जो आपने पढ़ा है स्टडी मटेरियल में, जो भी 4 to 5 points है वही लिख के आइए, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से स्पीड मेंटेन करिए और मेक श्योर कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करें। पेपर छूटेगा तो फिर अगर आप 100 का 90 का अटेम्प्ट करके आएंगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप एग्जेम्पशन स्कोर कर सकें या फिर और अच्छा स्कोर कर सकें। बाकी मेरा एक मैसेज यही है सबके लिए कि यार अपना मोटिवेशन रखिए, अपना
डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं और आपने अपना बेस्ट दिया है, मेहनत करी है, तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे सीए। इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट कि यार बहुत टफ है, नो डाउट रिजल्ट कम जाता है, बट अगर आप शुरू से ही मेंटेन रखेंगे वो पेस अपना कि हाँ यार मेरे को क्रैक करना ही करना है, एक माइंड सेट डेवलप करेंगे कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में बोस ग्रुप निकालना है, तो आप कर जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डीकेटी।